4.3 के जो बाकी जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है, यहाँ से जितने भी हैं वो सब बाकी है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, x³-3x² + 6 में क्या जोड़े की योगफल x²-x+4 प्राप्त हो। तो हमें क्या जोड़े कि x²-x+4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे हल लिख रहा हूँ, आप हल लिखो या फिर सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको हर बार लिखना है हल। मैं पिछले जो प्रश्न बना रहा हूँ उसमें मैं भूल गया हूँ, ठीक है हम लोग। तो फिर हम चलो आगे हल करते हैं। तो क्या जोड़े, तो यहाँ पे देखो मैं पी एक्स जोड़ रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पी एक्स जोड़ें, इसके जगह में आप सिर्फ पी बस को जोड़ सकते हो, चाहो तो क्यू बस को जोड़ सकते हो, चाहो तो जेड को जोड़ सकते हो, मतलब एनी बडी कोई भी चीज को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पी एक्स जोड़े, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, पी एक्स मैंने अभी कहा ना, जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना। फिर बार बार आप लोग ये मत समझना कि हमें इसके अलावा और क्या जोड़ें कि ना जोड़ें, ऐसा नहीं। आप जोड़ना चाहो तो इसको जोड़ सकते हो, क्यू को जोड़ सकते हो, पी एक्स को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो x³-3x² + 6 में क्या जोड़े, ठीक है। तो हमें क्या जोड़ना है, इसको हमें जोड़ना है, चलो इसको जोड़ते हैं, प्लस पी एक्स। जैसे कि अगर हम इसको मार रखेंगे तो हमें सिर्फ इसके जगह हमें पी बस रखेंगे, अगर क्यू रखते हैं तो क्यू बस को रखेंगे, अगर जेड रखेंगे तो जेड बस को रखेंगे, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा, x² - x+4 प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे डाउट मत होना कि हमें यहाँ पे कुछ भी मान जोड़ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पी एक्स से जोड़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो पी एक्स है, हमने जिस राशि को जोड़ा है ये किसी के साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सामने लिख लेते हैं इसे, ठीक है। सामने लिख लिया, ये सामने आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो राशि क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, x²-x+4, ठीक है। और ये वाला राशि उस पार चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे बराबर के जब भी उस पार जाएगा तो राशि के मानों में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, जैसे कि जो प्लस है वो माइनस, और माइनस और माइनस जो है वो प्लस में, और प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। चलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, चलो पहले एक पद और मैं बढ़ा दूंगा, यहाँ पे कोष्टक के साथ लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, जब राशि इस पार से उस पार गया तो माइनस लग गया। अब बचा क्या है, x³-3x² + 6, ठीक है। आगे हल करते हैं पी एक्स। अब यहाँ पे फिर इसको ले लेते हैं x²-x+4। अब इसको मान को क्या करेंगे, अंदर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो माइनस को गुणा कर दो तो ये हो गया x³, फिर ये माइनस और ये माइनस गुणा होने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, 3x² और ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। समझते जाना है हमें प्रश्नों को, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ समझना है थोड़ा सा। अब हल करो पी एक्स। अब यहाँ पे देखो पी एक्स, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे देखो एक्स के घात कहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो सबसे बड़ा एक्स का घात कौन सा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, देखो सभी राशि एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में जोड़ना है, तो हमें जोड़े क्या, नहीं जोड़े ना, जोड़ रहे हैं पर एक ही लाइन में है। देखो हमें इस तरह से हम दो पद नहीं बना रहे हैं, कैसे, जैसे कि पहले प्रश्न में बनाते थे योग करते थे तो योग वाला ऊपर और नीचे लेते थे ना, तो वैसा नहीं है, ये एक ही लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, जब एक लाइन में है तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखो। देखो और कहीं पे x³ नहीं है तो ले लो x³ माइनस लिखो यहाँ पे। अब देखो x² वाला, देखो यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये प्लस प्लस, 3 और 1 4, 4x² अब देखो x² वाला कहाँ पे है, ये सॉरी 2 घात तो हो गया, x² 1 घात वाला कहाँ पे, यहाँ पे, और कहीं पे दिया, यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे x² 1 घात वाले पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो +4 है संख्या में और ये संख्या में -6 है, तो +4 और -6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने के बाद कितना बचेगा, 2। अब बताओ यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि 6 वाले संख्या जो है वो 4 से बड़ा है, तो उसका चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, वह px²-x³+4x²-x-2, और ये क्या है, हमारा आंसर है, तो यही प्राप्त हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक जो 7 है वो सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को।
प्रश्न क्रमांक 8, y का 3 घात माइनस 3y² प्लस वाई प्लस 2 में क्या घटाएं कि अंतर y का 3 घात प्लस 2y प्लस 1 प्राप्त हो। ठीक है, इसमें घटाएंगे क्या तो हल करते हैं। चलो तो हल, तो यहाँ पे देखो पी वाई, जैसे वो x एक्स सीरीज था तो हमने वहाँ पे पी एक्स रखा, और जैसे इसमें y का सीरीज है तो हम इसमें क्या रखेंगे, y रखेंगे। ठीक है, तो पी वाई रख लिया। अब प्रश्न लिखो y का 3 घात माइनस 3y, प्रश्न में जो कहा है उसी के हिसाब से चलते हैं, y प्लस 2। हमें हमें अंतर कहा गया है कि अंतर कितना होना चाहिए, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो पी वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अंतर। तो वहाँ पे देखो क्या घटाएं कि अंतर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे घटाना भी शब्द बोल दिया, तो घटाना भी बोल दिया। अगर घटाना नहीं दिया होगा और अंतर कह दिया तो भी आप समझना कि अंतर का मतलब भी घटाना ही होता है। ठीक है, और उसके बाद अंतर कितना है, वाई का 3 प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो माइनस पी वाई है मैं यहाँ पे रख लिया, और जो बाकी है उसको उस पार ले जाते हैं, वाई का 3 घात प्लस 2y प्लस 1। और ये वाला जो मान है इस पर जाके यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, वाई का 3 घात माइनस 3y वर्ग प्लस y प्लस 2। ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो माइनस पी वाई, फिर ये वाई का 3 घात प्लस 2y प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। अब ये वाला मान देखो, ये माइनस है तो इसको इसके अंदर में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दो। तो ये माइनस और ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो गया माइनस का वाई का 3 घात, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3y² हो गया। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, गुणा हो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस वाई आ गया। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, तो फिर क्या होगा, फिर माइनस होगा और ये 2 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हल करते हैं, माइनस पी वाई। ठीक है, हल कर लो। देखो यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, तो क्या करेंगे, देखो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घट जाता है, तो ये काट दिए। ठीक है, ये कट गया। अब देखो आगे हल करो, यहाँ पे देखो 2y है प्लस में और ये प्लस, पहले y वाले देखते हैं, y का वर्ग वाला, y का 3 घात के बाद क्या देखेंगे, y का 2 घात वाला देखो, तो y का 2 घात क्या है, ये वाला मान है, तो इसको लिख लो 3y का 2 घात वाला। अब देखो y के 1 घात वाले को देखो, 1 घात यहाँ पे है, यहाँ भी 1 घात है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है, तो 2 में 1 घट जाएगा, कितना हो बचेगा, वाई बस बचेगा। अब यहाँ पे बताओ प्लस बचेगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे चिन्ह में प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस जो वाई है वो छोटा है किससे, +2y से, तो यहाँ पे आ गया प्लस, क्योंकि 2y बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, फिर ये +1 है और -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 कैसे आया, ये +1 -2 से छोटा है। ठीक है, -2 वाले 2 जो है 2 से छोटा 1 है, और माइनस का चिन्ह जो बड़े वाले संख्या के साथ लगा, तो बड़े वाले संख्या क्या है उसके चिन्ह को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करो। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ठीक है, ये वाले माइनस को हटाना है हमें, तो इस वाले माइनस को कैसे हटाएंगे, तो हमें दोनों पक्षों में यहाँ भी और यहाँ भी दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे, इसको कोष्टक में ले लो, और यहाँ भी अब क्या करेंगे, माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुणा करने पर दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस है, तो देखो ये माइनस का मैंने गुणा कर दिया और पहले से माइनस है। ठीक है, यहाँ भी इसको कर लो, और पी वाई और इसको भी माइनस, पहले से ये माइनस था, एक माइनस का गुणा कर दिए, तो इसको भी कोष्ठक में ले लिए। अब यहाँ पे क्या, यहाँ भी माइनस का गुणा कर देते हैं, तो 3y² - सॉरी +y - 1, तो गुणा कर दिए, ये माइनस माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये वाई था ना, और तो हमारे पास बचा क्या सिर्फ पर पी वाई, आ गया पी वाई प्लस में। अब इस माइनस का अंदर में गुणा कर दो, थोड़ा सा ऊपर ले लो। ठीक है, पी वाई बचा, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस हुआ, तो हमारे पास बचा क्या, पी वाई। ठीक है, पी वाई बस बचा। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3y - 3y² क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस और माइनस के क्या हो गया, माइनस हो जाएगा गुणा होने पर, तो ये वाई और ये माइनस और माइनस गुणा होने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है 1, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया।
तो इस तरह से आप नवा को भी बना लेना, ठीक है। इसी तरह से सेम नवा प्रश्न बनेगा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 को। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित का गुणा कीजिए। हमें अब क्या करना है, गुणा करना है, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें तीन प्रश्न है, तीन में से कोई एक प्रश्न देख लेते हैं। चलो पहला देख लेते हैं, गुणा करना सीखते हैं अब। तो पहला प्रश्न है, दसवां का पहला, 3x+4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है इसका 7x² + 2x + 1 के साथ, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है, गुणा करना है। चलो यहाँ पे हल लिख लेते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, देखो पद के हिसाब से यहाँ पे कितना है, 1 और 2, 1, 2, 3, चाहिए कितनों रहे, ठीक है। जिसके साथ हमें गुणा करना है उसको हर एक में बांटना है। तो ठीक है, 3x के साथ गुणा कर रहे हैं इसका, ठीक है, इसका गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो 3x + 4, ये हो गया पूरा, 3x + 4 हो गया। अब हम देखो 7x है स्क्वायर में, फिर प्लस 2x + 1, तो इन सभी को एक एक बार इसके साथ लगाना है। तो गुणा करेंगे, तो पहले 7x का वर्ग वाले के साथ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगे, प्लस चिन्ह, तो प्लस लगा दो। फिर इसको लिखो 3x + 4, फिर लिखो, फिर कोष्ठक में लिखो, ये वाला तो हमने ले लिया यहाँ पे। अब बचा क्या, ये और ये, तो अब दूसरा क्या लेंगे, इस वाले को इसके साथ पूरा फिर से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2x, फिर प्लस लगा लो, फिर 3x + 4 फिर ले लो, ठीक है, इसको फिर से ले लिया। और फिर अंतिम में बचा क्या हमारे पास, 1, इसको भी हमने ले लिया, इसको भी ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, 1, तो 1 को यहाँ पे 1 के साथ फिर गुणा कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और मैं यहाँ पे दोहराता हूँ कि 3x को क्या करेंगे, 2 का 2 रखेंगे, और गुणा हम किसके साथ करें, इसके साथ। तो ये वाले संख्या के एक एक मान को उठाते जाएंगे, तो ये कितना, 1, 2, 3, देखो तीन पद बना, ये 1 हो गया पूरा का पूरा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ये कितना है ये मान ही नहीं रखता है, हम जिसके साथ गुणा कर रहे हैं वो कितना है वो देखते हैं। 1, 2 और 3, तो 1, ये पूरा 2 और 3, देखो इसी के साथ पूरा पूरा गुणा किए। कैसे किए, 3x + 4 को एक बार 7x² के साथ किए, फिर प्लस का इसका जो चिन्ह है उसको यहाँ पे लिए, फिर दोबारा फिर से इसी को रखते हैं, 3x + 4 को एक बार 2x के साथ किए, फिर प्लस फिर लिखे, फिर 3x + 4 को फिर 1 के साथ किए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब अंदर गुणा कर लो। तो ये हो गया, यहाँ से करते हैं ना, ये वाला है हिस्से से हम गुणा करते जा रहे हैं, चाहे हम यहाँ से करें चाहे यहाँ से, ठीक है, चलो करें। तो ये हो गया, चलो यहीं से करते हैं, 7 चौक 28, तो ये हो गया 28, और ये क्या है, x² इसके साथ x² है, x² प्लस 7 या 21, ठीक है, 21 लिख दो, और ये x² है और एक और x² है, तो 2, 3 है, 2 तो पहले से था वर्ग घात, एक और मिल गया, तो कितना हो गया, x³ हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर 2x लिखो, तो 2 दूनी 4, ये सॉरी 2 चौक 8, तो 8x हो गया, ये x भी इसके साथ है, और यहाँ पे हो प्लस 3 दूनी 2 3 6, और यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, तो 1x और 1x, तो 2x को गुणा होने पर क्या होता है, घात घात जुड़ जाता है, तो इसमें 1 घात था, तो कितना हो गया, 2 घात हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 1 के साथ गुणा करेंगे, क्या प्राप्त हो, सेम मान प्राप्त होगा, तो इसको जो का तो लिख लो, ठीक है। आगे हल करें, आगे हल करते हैं, देखो एक्स का 3 घात वाले सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ पे है, एक्स का 3 घात इसमें है, इसमें है, इसमें बस है, इसमें है क्या, नहीं 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 नहीं, तो हम लिखेंगे 21x³, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 घात वाले को देखो, तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो जोड़ दो, देखो यहाँ पे प्लस प्लस में, तो क्या होगा, दोनों जोड़ जाएगा, तो कितना हो गया ये, 34, 28 और 6 34, 1x² हो गया ये भी। अब हम 1 घात वाले को देखते हैं, 1 घात वाला कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, दोनों प्लस में है, तो 11 हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा क्या, सिर्फ एक संख्या, ये संख्या में जो बचा है वो सिर्फ 4, तो यही बस बचा था, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न क्रमांक 10 के सभी प्रश्नों को बना लेना। प्रश्न क्रमांक 11 है, यदि px = x³+7x+3 तथा qx = 2³−3 हो, तो px × qx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो px × qx का है, मतलब क्या है, गुणा के रूप में ये भी है, इंटू मतलब दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई बिंदु बिंदु भी नहीं दिखा रहे हैं, px और qx दिखाई दे रहा है, तो दोनों क्या है, आसपास में कुछ नहीं, मतलब गुणा के फॉर्म में है। तो ऐसा अगर प्रश्न आया तो आप क्या करना है, इसको भी गुणा करना। तो चलो इसको हल करके देख लेते हैं, कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है,
पूरा प्रश्न नहीं लिखते, सीधा पी एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू एक्स, ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ठीक है। पी एक्स कितना है, पी एक्स है एक्स का 3 घात प्लस 7x, आपको समझ में आ जाएगा इस प्रश्न को बनाने के बाद कि ये कैसे हल होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटू है, मतलब ये भी देखो पी एक्स का मान हमने लिख लिया, अब क्यू एक्स का मान लिखते हैं, फिर इसको कोष्ठक में लिख लेते हैं, तो 2x का 3 घात -3, ठीक है, इतना है, तो हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखो, ये तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ भी करते हैं, तो एक्स का कितना है 3 घात, एक्स का 3 घात प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे का तस रख लो। और हम क्या करेंगे, इस वाले मान में देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक पीछे वाले से हल्का गुणा, पीछे वाले को गुणा करेंगे ना, आगे वाले को नहीं करें, तो यहाँ पे एक और दो, दो मान है, एक और दो, तो 2 ही बार होगा, तो ये हो गया 2x3 घात, एक हो गया। फिर यहाँ पे देखो चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। फिर ये क्या है, एक्स का 3 घात प्लस 7x प्लस 3, फिर कोष्ठक में ले लो, और फिर ये क्या है 3, ठीक है। हमने इसके माइनस चिन्ह को आगे लगा लिया है, इसलिए हमें माइनस चिन्ह को लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 बस को लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक, समझ में आया, इसमें सिर्फ 2 ही मान थे, इसलिए इसको इसको 2 ही बार हमने क्या क्या गुणा किया, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है, ठीक है। अब इसको हल कर लो, फिर से जो गुणा किया है उसके मान को अंदर करके गुणा कर लो, तो ये हो गया 2 * 3 = 6, 6x, देखो 2 * 3 = 6 हो गया, और यहाँ पे पीछे हम क्या x भी दिया है और 3 घात, तो x 3 घात को भी लिख लो। फिर ये 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, तो 2 * 7 = 14, तो ये हो गया 14, और यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे 3x है, तो 3 और 1 = 4 हो गया, तो x का 4 घात बन गया। फिर प्लस, फिर ये 2 * 2 = 2, 2 ही बार गया, एक ही बार, और यहाँ पे देखो घात में, देखो घात कितना है, 3 इसमें 3 इसमें, तो ये कितना हो गया, घात हो जाएगा 6, जुड़ के 6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको देखो 3 * 3 = 9 प्लस 7 * 3 = 21, 21x, ठीक है। फिर ये 3 हो गया 3, और ये x 3 घात, क्योंकि यहाँ पे कोई x पीछे नहीं है, तो ये x 3 घात। फिर देखो ये x, बस ये संख्या बस इसके साथ क्या हो गया, नंबर के साथ गुणा होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे बनाते हैं। अब देखो सबसे बड़ा घात कौन सा है, 6 घात, यहाँ पे देखो 6 घात है, और देखो 6 घात यहीं पे है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 का 6 घात वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 घात वाले देखो नहीं है, छोड़ दो, फिर 4 घात वाले है क्या, हाँ यहाँ पे है, देखो 4 घात वाला, तो प्लस के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे 4x4, ठीक है, 4 घात वाला एक था। अब देखो 3 घात वाला कितना है, 1 और 2, यहाँ पे देखो 2 संख्या 3 घात वाला, तो देखो एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना आएगा, 3x3 घात आएगा। अब देखो चिन्ह किसके साथ बड़ा है, 6 के साथ प्लस वाला है, और यही चिन्ह क्या है, बड़ा है, तो प्लस वाले के साथ चिन्ह बड़ा है, तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे लेंगे। अब देखते हैं x2 घात वाला है, नहीं है, छोड़ दो। फिर x1 घात है, हाँ है, x1 घात वाला यहाँ पे है, ठीक है, तो x1 घात वाले लिख लो, कौन सा चिन्ह लगा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे गलती हुआ है थोड़ा सा, ये 9 होगा, क्यों 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चिन्ह जो है वो मैंने लिखना, मैंने यहाँ पे अंदर गुणा करना भूल गया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर लो पहले, ठीक है, अभी यहाँ तक के हो गया, चलो यहाँ तक के मैं ले लिया, ये 9 कहाँ से आया इसको भी बताऊँ, पहले इसको गुणा करते हैं, यही वाले मान बस को हल कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस को यहाँ पे अंदर हल कर लेते हैं, एक काम करो पूरा काटो इसको, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे इससे, इसे कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको काट दो। अब हम लोग यहाँ से फिर लिखते हैं 2x6 + 14x4 + 6x3 घात, फिर इसका अंदर गुणा कर लो, तो माइनस को, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, 3x3 घात, और यहाँ पे क्या था, ये प्लस था ना, तो ये प्लस, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, 21x प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है, तो -9, ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको मैं अंदर में गुणा कर लूँ, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, अब हो गया, अब समझ में आ गया, तो क्या बचेगा, 2x6 घात सबसे बड़ा है, 5 वाला तो नहीं है, 4 वाला भी 1 है, तो ये हो गया 14x4 घात। अब देखो 3 वाला कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 वाला इसमें है, तो ये 3 आएगा, 3x3 घात क्या लगेगा यहाँ पे, प्लस लगेगा, ठीक है, प्लस वाला बड़ा है, तो फिर 2 घात वाला है क्या, नहीं, 1 घात वाला, हाँ है, तो क्या लगा चिन्ह में, -1x लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर संख्या दिया है, तो -9, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर इतना आंसर हमें प्राप्त हुआ,
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। ठीक है, आप समझ में, अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न क्रमांक 12 है वो सेम इसी तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ है पी यू, क्यू यू और आर यू, आर यू दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो अब इसमें तीन मान हो गए, तो पहले क्या करना, पहले पी यू और क्यू यू को गुणा करना। जब इसका मान इसी तरह से जैसे ये निकल गया, उसके साथ क्या करोगे, यहाँ पे क्यू आर को भी गुणा कर देना। ठीक है, आर क्यू को भी गुणा कर देना इसी के साथ, तो आपको ये समझ में, मतलब आप उसके बाद ही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है ये प्रश्न, आप लोग बना लेना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न वाली भी पूरा खत्म हो गया, ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया।